की कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ हम डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब कह रहे थे आप कोर्ट में जाओ और कानून की प्रक्रिया के तहत जो भी बढ़ेगा मैं भी आपकी मदद करूँगा। हमारे तो अनुरोध है, हम पुरातत्व विभाग के एरिया में नहीं आते, हमारे पास कई साल से 90 साल से पैसा हमारे रहे हैं, हमारे पास सरकार के दिए हुए कागजात भी है, मजदूर भूमि बोलते हैं। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है हम पहले ध्यान दे भी करें, और हमारा जो पुराने नक्शे तो 1904 से जो चल रहे हैं, 1904 से सिर्फ थेड़ मंड जो है थेड़ मंड के नाम से है, थेड़ वाला जो मिल है नीचे कुछ नहीं है, नीचे वाला पहले पुरातत्व विभाग में नहीं चाहिए, अब प्रशासन ने जोड़ा है। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, हम कोर्ट में भी ये अपील डालेंगे कि हमें पुरातत्व विभाग से बाहर निकाला जाए और जहां हम रह रहे हैं यही हमें रजिस्ट्री बनाई दी जाए, जो डीसी कलेक्ट्रेट बनता है वो हम चलने के लिए सभी तैयार हैं। हाई कोर्ट में चल रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, 2012 की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रही है, उसमें हाई कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई चल रही है और उनको कहा गया कि अगर कोई रेमेडी चाहते हैं तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लीगल रेमेडी के लिए वो अपील कर दें। हम इसमें कोर्ट के आदेशों से बाउंड हैं, हम कोर्ट के आदेशों की पालना करना हमारा कर्तव्य है, सरकार बाउंड है। सरकार ने रिहैबिलिटेशन के लिए हमने अवगत कराया उनको कि रिहैबिलिटेशन के लिए 754 जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं किफ़ायती रेट पर दिए हैं, वहाँ पे 754 फ्लैट पे लोग बैठे हैं, जो 28 एकड़ हमने खाली कराई है, तो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हुआ है। आगे भी सरकार रिहैबिलिटेशन करने के लिए तैयार है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेशों का हम पालन करने के लिए बाध्य हैं। हम अपने स्तर पे इनको कोई आश्वासन दे कि ये नहीं हो पाएगा, हमारा उसमें अख्तियारात नहीं है। हमारे जो हमारी कार्रवाई चल रही है हम अपनी कार्रवाई आगे चलाएंगे, हमने इनसे आग्रह किया है। कुछ दिन पहले हमारी टीम वहाँ गई थी तो इन्होंने उनके साथ हाथापाई करी है, उसमें FIR भी लॉज हुई है, तो हमने इनको कहा है आप हमारे बंदों के साथ हाथापाई ना करें, आप उसके जगह आप लीगल रेमेडी ढूंढें, लीगली अपनी कार्रवाई को चलाएं। लीगली अगर आपको कोई बेनिफिट होता है तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी टीम के साथ अगर आप हाथापाई करेंगे तो उसका कोई सलूशन ही निकलने वाला। हाईकोर्ट ने पिछली बार भी कहा था कि अगर कोई दिक्कत आती तो हम आर्मी भेजने को भी तैयार हैं, और शिमला वाले इंसिडेंट में हाईकोर्ट ने आर्मी की ड्यूटी भी लगाई है शिमला MC वाले केस में। तो मेरा अनुरोध इनसे यही रहा है कि आप अपनी टीम जो संघर्ष समिति बनाई है या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव लोग आए हैं, आप अपने किसी लीगली काउंसिल से मिलें, लीगली राय लें उनसे, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चाराजोई करें। अगली डेट है 24/9, तो 24/9 से पहले हमारी जो कार्रवाई चल रही है एविक्शन की, मैंने इनको कहा है कि आप हमें काइंडली कोऑपरेट करें, आइंदा से हमारी टीम के साथ आप किसी तरह की बदसलूकी ना करें। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम अपनी टीम जो 11 मेंबरी टीम बनाई है वो साथ जाएगी और हमारी टीम के साथ किसी तरह की बदसलूकी हाथापाई वगैरह नहीं होगी, हमें अपना काम करने दिया जाएगा। ये अपनी इन्होंने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट इनको चाहिए अपील करने के लिए, तो हमने इनको कहा है जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो यथासंभव हम आपको उपलब्ध करवा दें। प्रशासन के बिना हम नहीं रह सकते।